हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं इरफान मलिक। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बहुत वीडियो में दिखाया है कि इस गाड़ी को किस तरीके से आपने सही करना है। अगर इसमें स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ये गाड़ी मेरे पास में अभी 3-4 मैकेनिक जो दुकान करे हुए बैठे हैं उनके पास से घूम करके तब आई है, और ये काफी दूर से पैदल लेके आया है। जो बंदा गाड़ी चलाता है, बूढ़े इंसान है वो बिल्कुल, वो काफी दूर से पैदल लेके आए हैं। और दो वीडियो मैंने इसकी बनाई है। इस वीडियो में जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसके पंप पे मुझे डाउट था। किसी मैकेनिक ने इसका पंप खोला, स्टार्ट ना होने के कारण पंप खोलने के बाद इसको उल्टा बांध दिया। ये चीज मैंने आपको पहले भी दिखाई है दोस्तों वीडियो के अंदर। एक और चीज ऐसी ही इस गाड़ी की मैंने खोली थी, उसका वीडियो भी आपको आपके पास आएगा। उसमें भी कुछ ऐसा ही सिस्टम कर रखा है कि उसकी वजह से कि खाड़ लग रही है गाड़ी में, तो ये उल्टा ऐसे लगा, ऐसे लगाना था इसको। यानी जब पूरा कंप्लीट ये हमें नजर आ रहा है कि भाई ये बैठ नहीं रहा है, रबड़ हमारी पूरी नहीं चिपक रही है जहां इसकी जगह बनी हुई है, लेकिन तब भी लोग इसको जबरदस्ती उल्टा बैठा करके स्प्रिंग ऊपर से लगा के इसको टाइट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जब भी आपके पास में XL100 आए, इसका पंप ना के बराबर खराब होता है। जब से मैं इस काम में हूं अब तक मैंने एक भी पंप इसका खराब नहीं देखा है दोस्तों। पंप इसके अगर खराब मैंने देखे हैं तो उल्टे बंधे हुए देखे हैं। पेट्रोल आएगा, सारे काम होंगे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, उससे सीधा करके बांधना पड़ता है, फिर स्टार्ट हो जाती है। देखो भी मैंने बांधा है इसको, और इसमें हल्की लीकेज भी है क्योंकि इसके रबड़ के रिंग कट गए थे। इसको तो दोबारा मैं सही कर दूंगा, लेकिन मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इस कंडीशन में भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। जिस कंडीशन में ये लीकेज कर रहा है ना, अब स्टार्ट हो जाएगी। वरना इसमें भी आधा दिन मुझे हो गया था, मैंने कहा यार गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पेट्रोल भी आ रहा है। पहले तो दूसरा पहला सामान इसका ठीक किया, फिर इसको मैंने देखा कि हाँ पंप में भी दिक्कत हो सकती है, तब इसको भी ठीक किया। और अब आप देख सकते हो कि गाड़ी मेरी स्टार्ट हो जाएगी अब तुरंत ही। ये अब मैं इसमें सेल्फ लगा रहा हूं, और पहले मैंने इसमें किक भी लगाई, सेल्फ भी लगाए, तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो बस आफ्टर मैकेनिक लोगों से मेरी इल्तजा यही है दोस्तों, इसके पंप को या किसी भी गाड़ी का कोई भी सामान आप खोलते हो तो उसी तरीके से उसको फिटिंग करें। अब इसको किसी ने बता दिया था कि आपका 3500 रुपए का पंप खराब है, इसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी शोरूम के अंदर। फिर ये मुझे ढूंढता हुआ आया, तब मेरे पास आया, तब मैंने देखा क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू दोस्तों।